देखिए सवाल आप जो बात कह रहे हैं सर, ये बातें आप लोगों ने मंच से उठाई भी पहले भी हैं, हमने आपने चर्चा भी पहले की है। अब मेरे मन में सवाल ये है कि अगर ये सारे मुद्दे उठाने के बाद भी बीजेपी सरकार बना लेती है, क्योंकि हाल फिलहाल में चुनाव जो हुए वहां भी बीजेपी कह रहे थे गुजरात में हमने रिकॉर्ड बनाया, हिमाचल में हम हारे, आपकी बड़ी जीत हुई, लेकिन वोट परसेंटेज हमारा बहुत घटा नहीं वहां पर। तो फिर सवाल ये है कि क्या ये मुद्दे आप समझा नहीं पा रहे हैं, या जनता समझ रही है और आप नहीं समझ पा रहे हैं उस चश्मे से, कहां समस्या हो रही है सर? उसके बाद में संगीत जी के पास जाऊंगा। उत्तर देता हूं। देखिए हिमाचल की बात जहां आप करेंगे, हिमाचल में तो जो नड्डा जी का राज्य है और नड्डा जी के बिलासपुर में भी इनकी हालत खराब हुई है, तो पहले तो नड्डा जी का राजीनामा इनको लेना चाहिए। या फिर हिमाचल की जो हार है वो नरेंद्र मोदी की हार है या फिर वो जयराम ठाकुर की हार है, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्टता देनी चाहिए। और अगर ये वही राज्य है जहां राहुल जी प्रचार करने भी नहीं गए थे, तो ये भी एक सवाल है सर, वहां भारत जोड़ो यात्रा का असर नहीं रहा और आपकी भारत जोड़ो यात्रा बाकी जगह गई, हिमाचल में नहीं गई सर, अगर मैं गलत हूं तो आप करेक्ट कर दीजिएगा। बांकर जी दुख की बात यह है कि आप 10 सेकंड भी मेरे पूरे नहीं, आप बोलिए सर, आप पूरी बात रखिए सर, अगले 30 सेकंड आपके सर, कोई नहीं टोकेगा आपको। मेरे मन में सवाल आ रहे सर, मैं सबको काउंटर कर रहा हूं, मेरे से सवाल पूछते ना तो उसका उत्तर नहीं, ठीक है सर, आप अगर आपको लग रहा है तो मैं अपॉलॉजी करता हूं, आप बात रखिए सर, लेकिन मैं सिर्फ काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं, सभी से कर रहा हूं सर मैं, काउंटर ऐसे नहीं, ठीक है सर, काउंटर होता है आप मेरा उत्तर लेने के बाद। ठीक है चरण जी, बात पूरी कीजिए, आप बात पूरी कीजिए सर, ठीक है सर, आप बात पूरी कीजिए सर, क्या बीजेपी के प्रवक्ता को हर बात? नहीं नहीं सर, आप बात पूरी कीजिए सर, अब आप समय जाया कीजिए, अगले 40 सेकंड 50 सेकंड एक मिनट में आपको सुनूंगा। मैं वही कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश का अगर ये इस तरह का कारण देते हैं, परसेंटेज बताते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि खिसियानी बिल्ली खम्मा लोचे, हार गए हैं भाई, अब उस हार को कबूल करिए। अब हमारा परसेंटेज ये है वो ये है, आप दिल्ली में भी हारे हैं, एमसीडी हारे हैं, जितने उपचुनाव थे वो भी आप तकरीबन एक छोड़ करके आप सारे उस समय में हारे हैं, तो आप चुनाव हारने लगे हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। आज जो हुजूम राहुल गांधी जी के साथ में जुड़ रहा है, मैं आपको बता दूं, मोहब्बत के मसीहा को कोई नहीं रोक सका। महात्मा गांधी ने जब दांडी यात्रा शुरू की थी ना, अहिंसावादी यात्रा थी, तो महात्मा गांधी जी को भी अंग्रेज रोकना चाहते थे, लेकिन उस मोहब्बत के मसीहा को भी नहीं रोक सके, और इस मोहब्बत के मसीहा को राहुल गांधी को भी आप लोग नहीं रोक पाओगे। जितने मर्जी कारण देने हैं दे दीजिए, जितनी मर्जी बातें आपको करनी है वो कर लीजिए, ठीक है, लेकिन यात्रा पूरी होगी, क्योंकि मतलब आप भी वही बात कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। संगीत रागी जी वो कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी कम से कम ये मान ले कि अब चुनाव आप लोग हारने लगे, उपचुनावों में आप हारे, हिमाचल में भी आप हारे, हार हार होती है, कैसे हार हो रही है, कितनी सीटों से हो रही है वो एक अलग है, एक राज्य आपने गवाया, आप केवल गुजरात में जीते, बाकी चीजों का छुपा रहे, तो कैसे देख रहे हैं बीजेपी हार रही है, नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी गिर रही है? जी देखिए एमसीडी चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, गुजरात के अंदर इतिहास की सबसे बड़ी पराजय जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिली, हिमाचल में मात्र आप 38,000 वोटों से, पूरे हिमाचल के मतदाताओं में आप 38,000 वोट ज़्यादा लेकर के आए हैं, इसके बावजूद भी यदि आप राहुल गांधी की जय जयकार करते हैं कोई बात नहीं है, और जैसे ही आप अडानी अंबानी को लेकर के गाली गलौज की भाषा करते हैं, बस एक मिनट प्लीज़, तो आप अपने पुरखों राजीव गांधी को भी आप कोसते हैं, नरसिंह राव को भी कोसते हैं, क्योंकि मार्केट जनरेटेड रिफॉर्म्स इन्हीं लोगों ने शुरू किया था, प्राइवेटाइजेशन आज में दुनिया की स्थिति है। मेरे पास समय नहीं है, माफ करना, रुकूंगा आपको मैं। हमारे साथ मृत्युंजय जी, मृत्युंजय जी देखिए अब भारत जोड़ो यात्रा में ब्रेक होने वाला है, हमें ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले क्या बदलाव देख रहे हैं इसके बाद, आप इस यात्रा के बाद विपक्ष का काउंटर कैसे होगा, क्या बदलाव होगा 24 के दृष्टिकोण से? एक बात रह गई थी सुबह, देखिए बदलाव के संकेत तो दिख रहे हैं, पूरे देश में दिख रहे हैं, और बिहार से इसकी शुरुआत हुई है, देख रहा है पूरा बिहार आज देश, तो भारत जोड़ो यात्रा में लोग जुड़ रहे हैं, लोग में विश्वास जो है वो आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ही और पूरा विपक्ष मिल करके बीजेपी को सत्ता से बेदखल 2024 में करेगी। ठीक है संगीत जी, 10 सेकंड आपके लिए, क्योंकि खत्म करना चाह रहे थे और समापन करना है मुझे, 10 सेकंड के बाद। शुभांकर जी, किराए का जनेऊ और किराए के धोती लेकर के मंदिर में जाने वाले वो नरेंद्र मोदी से तुलना करेंगे, तो जो पहले से नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, ये दुकान सक्सेसफुल होगी या दुकान ठप होगी ये जनता तय करेगी।